सुनिए न जी, आज क्या बनाएंगे खाने में? घर में आलू है? नहीं, नहीं है। घर में चावल है? नहीं जी, चावल भी नहीं है। घर में आटा है? नहीं जी, नहीं है। घर में एग छा? हाँ जी है। हाँ तो जाओ, पूरे किचन वाले घर में आग लगा दो। सुनो सहेली, एक मैं बात बताऊँ तुमको? हाँ बोलो अनार, क्या बात है? क्या बताऊँ सहेली, कल रात ना मैं एक बहुत डरावना सपना देखा, जिसमें एक आदमी मुझे बुरी तरह से चाकू से मार रहा था, चाकू से। अरे तू डर मत, अगर सपना सच होने लगती तो मैं हर सुबह प्रेग्नेंट होकर नहीं उठती। दीदी वाह दीदी, नहीं वाह दीदी। अरे दोस्त मैं क्या बताऊं, जब भी मैं कोई काम शुरू करने जाती हूं तो मेरे बीवी ना बीच में आ जाती है, क्या करूं तू ही बता, मैं तो अपने बीवी से परेशान हो गई हूं। अरे यार जब तुम्हारा दोस्त अभी जिंदा है तो तू डरता क्यों है, फिकर क्यों करता है? एक काम कर यार, तू ना एक ट्रक चला के देख, शायद तुम्हारी किस्मत साथ दे दे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। डॉक्टर साहब, मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी है। तो बताइए, मैं 60 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, आप तो बहुत समझदार है, तो आप बताइए, मैं 60 साल का आदमी हूँ, मेरे उम्र के लोगों के लिए क्या स्टाइल होनी चाहिए? तुम सबका ना डॉगी स्टाइल ठीक रहेगा, डॉगी स्टाइल। आपका मतलब है डॉक्टर साहब पीछे से? नहीं बाबा, मेरा मतलब है सिर्फ सूंघना और चाटना। ओह शिट, ओह शिट। नो 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 नो। होप क्या है, उस लोग से जाके पूछो जो अपना मोबाइल बिना लॉक किए घर भूल गया है। अरे यार क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी ना बहुत मजाकिया है, बहुत मजाक करती है। ओ कैसे? अरे कल मैं ना अपने बीवी के आंख पर हाथ डाल दिया और पूछा मैं कौन, तो पता है उसने क्या बोला? तो उसने जवाब दिया कि तुम दूध वाले हो ना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बताओ यार, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? घर वाली, मतलब? और क्या, हफ्ते में 4 से 5 बार मनाना ही पड़ता है। ननद जी, ओ ननद जी, सुबह की 10 बज गई है, उठ जाइए, देखिए सूरज भगवान भी निकल चुके हैं, आप कब तक सोए रहेंगे? अगर ससुराल जाएंगे तो ऐसे ही सोए रहेंगे क्या? उठिए। अरे नहीं भाभी, अभी मैं नहीं उठूंगी, क्योंकि रात बहुत छोटा करता है, मेरा नींद अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे अभी सोने दीजिए आप, जाइए। हाँ हम अकेले जाएंगे धान का बिरार उखाड़ने के लिए, हम सोचे कि आप ही को लेकर चलेंगे, इसलिए मैं सुबह सारे काम वगैरह कर दिए, खाना वगैरह बना दिए, नाश्ता, सोचे कि दोनों ननद भाभी मिलकर जाएंगे धान का बिरार उखाड़ेंगे, क्योंकि घर के अगल बगल में सब धान रोप दिए हैं, हम कब रोपेंगे बताइए, अपना खेत कब रोपाएगा, चलिए ना। भाभी क्यों इतना महाभारत कर रही हो घर में? भाप रे, इतना धूप निकला है, मैं नहीं जाने वाली हूँ कहीं। ओह नो, मैं तो जा रही हूँ आराम से सोकर फेसबुक देखूंगी। मत जा, भैंसिया कहीं के ससुराल में जब पढ़ने पड़ेगा तब पता चलेगा उनको, अभी जो नेहरा में बैठ के खिला रही है ना, ससुराल जाएंगे तब पता चलेगा कैसे होता है ससुराल, अभी तो नेहरा में ना इसलिए मखर रहा है, धूप नजर आ रहा है।